नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। देखिए, राशियों के अनुसार से हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए आने वाले 15 दिन कैसे हैं, यानी 15 जनवरी से लेकर विशेष तौर से जो समय है वो कैसा रहेगा 31 जनवरी के बीच में। सिंह राशि वालों के हिसाब से यदि बात करें तो सिंह राशियों के लिए जो स्वामी है वो सूर्य है, सूर्य प्रधान राशि है और सूर्य तो अभी परिवर्तित होकर चुके ही हैं, मकर संक्रांति होकर चुकी है। मकर संक्रांति होने के साथ साथ क्या होता है, मकर संक्रांति कि जब सूर्य परिवर्तित हो जाते हैं तो धनु से मकर में चले जाते हैं, लेकिन सिंह राशि वालों के लिए ये परिवर्तन जो है षष्ठ भाव में हो गया है। और षष्ठ भाव का परिवर्तन जो सूर्य जाने का योग देता है वो कई प्रकार के विचित्र योग बनाता है, तो ऐसे में कई चीज़ों से आपको सावधान भी रहना है। कई प्रकार के आपके विशेष तौर पर आपको थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है। एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन रहेगा, टांगों में थोड़ी कमजोरी, ज़्यादा परेशान आपको हो सकते हैं, तो ऐसे में ग्रहों का योगा योग दिखाता है तो थोड़ा सा आपको प्रशस्त होकर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन शनि भी परिवर्तन होने की तरफ जा रहे हैं, 17 तारीख के आसपास शनि भी परिवर्तित हो जाएंगे और वो चले जाएंगे आपके सामने, आपकी राशि के समक्ष आ जाएंगे, आपके व्यापार वाले भाव में आ जाएंगे, आपके जीवन साथी वाले भाव में आ जाएंगे, तो अड़ियलपना थोड़ा सा कष्ट दे सकता है आपको। देखिए, कल्याणी ढैया का समय आपका शुरू हो जाएगा, जैसा साढ़े साथी का समय होता है वैसे ही समय माना जाता है, लेकिन बस ये मान लीजिए शनि स्वग्रही है वहाँ पर जाकर, तो थोड़ी सी रियायत उन्होंने दी हुई है, लेकिन फिर भी आपको बड़ी सावधानी के साथ चलने की ज़रूरत है। और ऐसे में थोड़ी सी आपके जीवन में कामुकता आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, थोड़ी शैतानी आप ज़्यादा कर सकते हैं, तो थोड़ा सावधान होकर आप काम करने का प्रयास करें। तो ये समय जो चल रहा है विशेष तौर पर आपको आगे बढ़ने के योग दे सकता है, साथ साथ क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन जो हुआ है, मार्गी हो गए हैं मंगल विशेष तौर पर इस 15 दिनों में, बुध भी मार्गी हो रहे हैं, शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो परिवर्तन है ग्रहों के उठापटक जो हो रही है आकाशीय पार्लियामेंट में, जो परिवर्तन का योग बन रहा है, कई क्षेत्रों में तो अच्छा है लेकिन कई क्षेत्रों में भी आपको लाभ देने के योग बना सकता है। कई क्षेत्रों के लिए अच्छा जो है लेकिन कुछ कष्ट भी दे सकता है। व्यापार जो लोग कर रहे हैं, जो लोग इस क्षेत्र में व्यापार से संबंधित हैं सिंह राशि वाले, उनके लिए विशेष तौर पर काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज, ऐसा कुछ नई विंडो खुलती दिखाई दे रही है। और जो विशेष तौर पर जो आपके व्यवसाय स्थल पर है वो काफ़ी ज़्यादा, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं उनके लिए बहुत उन्नति के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं शनिदेव। विशेष तौर पर आपका यदि हम काम करें तो आपके व्यवसाय में अच्छे लाभ होने के योग बनेंगे, लेकिन भूमि संबंधित जो व्यवसाय करते हैं उनके लिए थोड़े कष्ट हो सकते हैं, मकान जायदाद जमीन इत्यादि में थोड़ा सा नुकसान होने के योग बन सकते हैं, शनि का परिवर्तन इसी प्रकार से दिखा रहा है, तो आपको बड़ी सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत है। अड़ियलपना जिदपना वो आपको परेशानी में डाल सकता है, तो उस संबंध में भी आपको थोड़ी सावधानी बरतते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। कोशिश ये करें, आपके धन के मामले में, आपके जो पैसे के मामले में तो ग्रह दिखा रहे हैं कि पॉजिटिव, आपको विशेष तौर पर आपका ग्रह जो दिखा रहा है कि वो तो मनी का फ्लो ठीक रहेगा, और लेकिन एक कष्ट है, जितने धर्म से दूर होंगे, ग्रहों का योगा योग ऐसा बन रहा है कि आप थोड़े से धर्म से विमुख चल रहे हैं आजकल, पूजा पाठ भगवान में थोड़ा ध्यान, धार्मिक कार्य में थोड़ा ध्यान कम लग रहा है, दिल से लगाने का प्रयास कीजिए। ऐसे में जितना आप, क्योंकि आपकी कुंडली में जिस प्रकार के, आपकी राशि के अनुसार जिस प्रकार के योग बन रहे हैं वो साफ साफ दिखाते हैं कि जितने धार्मिक कार्य से दूर होंगे ना उतना ज़्यादा परेशानी कष्ट आपको परेशान कर सकता है, तो इसलिए सबसे पहला काम जो आपको एक बात विचार समझना है कि धर्मरत रहते हुए काम करने का प्रयास कीजिएगा। इन विशेष तौर पर 15 दिनों में इन उपायों को करते हुए आप काम करें, देखिए बहुत जल्दी आपको लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। उपाय के तौर पर आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है कि तिल का दान कीजिए, गुड़ और तिल का, जैसे गच्चक इत्यादि जो है उनका दान कर दीजिए, और जो रेवड़ी आती है उनका दान कर दीजिए, आपके कष्ट दूर होने के योग बन सकते हैं। और विशेष तौर पे गरीब जो लोग हैं उनको चरण पादुकाएं, जो पैर जूते होते हैं, वो दान करने का प्रयास कीजिए। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको कर आपके समय को आप शुभ कर सकते हैं। ये परिवर्तन जिस प्रकार का योग आपकी कुंडली में बना रहा है, आपकी राशि के अनुसार से बना रहा है, वो हमने आपके समक्ष उपस्थित किया। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर या हमारे फोन नंबर्स पर मैसेज भेजकर आप जान सकते हैं, अपने कष्टों का उपाय जान सकते हैं। हमारा आश्रम विवेकानंद योगाश्रम आपके लिए बहुत सारी सुविधाएँ सेवाएँ उपस्थित करता है और आप सब उनका लाभ ले सकते हैं। आश्रम पर आकर विशेष तौर पर यज्ञ इत्यादि में आप सम्मिलित हो सकते हैं, विभिन्न उत्सवों में जो पूजा इत्यादि की जाती है उनमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। अभी शिवरात्रि आने वाली है, उसमें विशेष तौर पर बहुत बड़े रुद्र यज्ञ का आयोजन किया जाएगा, उसमें भी आप आकर रुद्राभिषेक स्वयं अपने हाथों से कर सकते हैं, भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। आने वाले समय में
भगवान की प्रार्थना करके आप अपने कष्टों को दूर करने के अद्भुत योग इन धार्मिक कार्यों से अवश्य आपको लाभ देने के योग बनते हैं। कोशिश करें इन धार्मिक कार्यों में आप सम्मिलित हों, लाभ होगा।